सास सास संभाले, सास सास संभाले। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, सास सास संभाले। लोक पर लोक संग सहाई, जत का तुम मोहे मोहे रखवाले। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले। लोक पर लोक हर जगह सहाई, अंदर अंदर बढ़िया रुकावट आने की संग लिखा है। रगड़ा है भारी तो समझे संत सुजान, रड़बड़ मच रही भारी, अजीब रड़बड़ अंदर, अजीब धोखे हैं। गुरु नानक साहब को घेर लिया था किसी दिन, वो तो इनकी चाल से वाकफ से निकल गया, बाकी इसकी ताकत निकल जाए। फकीरों का रूप धार कर भी इसको धोखा दिया जाता। काल सिमरना छोड़े उसके आगे नकली चीज नहीं आती, खास बात है। सिमरन के आगे नकली चीज नहीं आएगी, सिमरना छोड़े। जब स्वरूप भी आवे, बातें करने लग जाए, फिर तसली है, फिर सही रास्ता बताएगा। हाँ जी, लोक पर लोक आप पढ़ो। दादू साहब ये लिखते हैं, क्या ये भागों से मिलता है सिमरन? दो लफ्ज तो रेख बता, लफ्जों पे नहीं, ये फकीर के 30 पे है। अगर माल की दरगाह से हुक्म है, उसका जो बताया वो सिमरन वो काम करता है, बाकी ना उसका नाम माल की दरगाह में दर्ज हो जाता है। जैसे यहाँ भर्ती करते हैं ना, लिस्ट भेज देते हैं, फिर कोर्स करना है, वहां भी लिस्ट जाती है, वहां भी फोटो जाती है। इसका नाम नाम देना है, लफ्ज नहीं। जिया दान, इनिशिएशन, बैथ होना, इसका नाम नाम है। दो लफ्जों का क्या है? डाकू जा रहे हैं, हम खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है। अगर हम सिपाही कहें गोली चलाओ, हमारे कहने पे चलाएंगे? देख लो भाई, नहीं चलाते ना। अगर थानेदार कहे फिर तो चलाएंगे। बस इस तरह ये लफ्जों पे नहीं, ये भागों से मिलता है। हाँ, क्या कहते हैं दादू साहब इसके बारे में? दादू साहब फरमाते हैं, यह मंत्र गुप्त वर्षा योग है, जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता। उत्तम जिज्ञासुओं से मिलता है। ताई ताई सस रहेगी, वो कहीं मैं घुगड़नाथ के नाम ले। हाँ, घुगड़नाथ। हाँ जी, यह मंत्र जन्म मरण के फंदे काट कर अमर कर देता है। हाँ। दो चित्ती की हालत मिटाकर सदा एक रस हालत में रहने वाला बना देता है, सबसे निर्भय कर देता है और राम बना देता है। जिस तरह लकड़ी में आग रमी होती है, उसी तरह आत्मा को सब जगह रमा देता है और आत्मा को निज स्वरूप में मिला देता है। यह मंत्र सदा की जिंदगी प्रदान करता है, अखुट बल वाला बना देता है, आत्मा को सुंदर बना देता है, सबका शिरोमणि अर्थात सबसे बड़ा बना देता है और ऊंची पदवी को पहुंचा देता है, निर्मल और पाक कर देता है और निरंकार की प्राप्ति करा देता है। उसको जपने वाला अलख यानी किसी के लखने से परे हो जाता है, अकल कुल हो जाता है अर्थात सब अकलों का मालिक बन जाता है। उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता, ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। यह मंत्र आत्मा के अंदर नूर पैदा करता है, इसके तेज को बढ़ाता है, इसके अंदर ज्योति को प्रकट करता है
और अंदर प्रकाश कर देता है। ज्योति भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी नतवा नकल से न छोड़े, नकली भी है हाँ। सभी स्थानों पर सहायता करता हुआ हाँ। परम धाम पहुंचा देता, सभी स्थानों पर। बोलो भाई, लोक पर लोक में लिख दिया उन्होंने, सभी स्थानों पर ये धुरधाम पहुंचा देते, छोटी सी चीज। बोलो भाई, कितने कितने बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं और करते हैं, देखो कुछ नहीं बनता, ये ऐसा सिमरन है हाँ। हाँ बोल, हाँ जी। सिमरो, चिट्ठियां आती हैं, देखो ये फोटो आते हैं उनके, ऐसे पहले से चेहरे अच्छे, अब बीमारी में काला हो जाता है फिर लाल हो जाता है, देखो हाँ। जवान, ऐसी जवानी में हालत नहीं होती, बुढ़ी है ना, जिन्हें पड़ती हैं मौके पर, वो भी हैं साफ, जवान होके जाती हैं हाँ। सिमरो सिमरो, संतोष दे बाबा की फोटो मंगावांगे, कहने बड़ी आला फोटो सी, ओदी मां कहंदी असि भी जाइए कने ता आए सुन कने कने जान गे साहब आए है देख ला हां। ये पंडितों के बीपी बीमार थी, चार दिन रही, बाद में कहने लगे मैं नहाना है, नहा ली, नए कपड़े तो नए तो है नहीं थे, धोए हुए पा लिए, पहन कर गंगा किया, सिरवाया, चंगी तरह शीशे से मुंह देखा, सब कुछ रखे, शीशे रखे, कहने लगे धंधा सब मिल जा रही है। बोलो भाई, इतने फिर ऐसे है, सिमरन करो बस, सिमरन ना छोड़ो, जितना आप करोगे रास्ता खुला और होगा, नहीं रास्ते में रुकावट पड़ती है, कई कई जन्म लग जाते हैं, यह मसाले हैं, पिछले जन्म का हाल। बोल भाई, एक छोटी सी कल अखबार में निकला था हाँ, भेजा है, यहाँ कितने ही हैं पिछले जन्म का हाल बताने वाले। बोल भाई, ये छोटे छोटे बच्चे कितने हैं, एक को क्या नाम है, बड़े खेड़े में है लड़का, ज्यादा लेट रहा था, मास्टर जी आपने नहीं सुना होगा हैं, नहीं सुना, गधा लेट रहा था, कहने लगा मैं ऐसे लेटा करता था, सच्चे सौदे की बूंदी खाई थी, फिर आया, फिर एक लड़की के थप्पड़ मारा, वो रोते रोते घर गया, मैं कहने लगा बाणिया अच्छी हक लाल का खाया कर, वो घर गया, घर वाले उनके घर आए, कहने लगा मैंने तो एक ही दिन मारा है, ये मुझे रोज मारता था, मेरे पर प्याज और आलू लाद कर बेचा करता था। बोलो, देखो पिछले जन्म का हाल, कितने हैं बच्चे हैं हाँ, ये तो रोज सुनते हैं, इनको तो आप सुना रहे हैं, कभी आए नहीं, कभी कभी आज पहली दफा, ये मेरा ख्याल नाम लेगी बस हाँ, है पहले आए, दो बार आए पर रात में रुके हाँ, फिर सत्संग सुने नहीं हाँ, अगर जपोगे ऐसे जाओगे खिले चेहरे हाँ, जिसमें नहीं अकड़ता टट्टी पेशाब नहीं निकलता, टट्टी पेशाब निकल जाता है ना लोगों का, देख लो ये नहीं निकलता हाँ हाँ जी। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ,
सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ सास सास संभाले निर्धन को दान अंधले को टिक मात दूध जैसे बैठा तो देखा ही नहीं कि गया नक्षत्र चलो बस हां निर्धन को धन अंधले को टिक मात दूध जैसे ऐसा दाना है जो कभी ना खुटे पाया रे मैंने नाम रत्न धन पाया जिसको पाए दुख सुख भूले मन अंदर समाया जिसकी चोरी कभी ना हो धर्म इस सिमरन से ये धन मिलता है जपने से जैसे माँ के दूध से बच्चे को खुराक मिलती है इसलिए जपने से आत्मा को खुराक मिलती है भी जवान होती है हाँ माँ दूध जैसे बाले हाँ हाँ जी निर्धन को धन अंधले को टिक मात दूध जैसे वाले बड़े बड़े जप करेंगे तप करेंगे उठे लटकेंगे सब कुछ होगा वो कर लेंगे ये नहीं करता कोई ना कोई कीमत लगती है ना कोई टाइम खराब है ना घर बार छोड़ना बोलो भाई हाँ ये काम करने नहीं देता हाँ सागर में बोहित गल्ला मारी जांदा हूं हां की है अब मारी तो जांदा किने चिर हो गए करी जांदा हां हां जी सागर में बोहित पायो हार नानक करी कृपा किले बनाते हैं ना ठाकुर किले बनाते हैं फसलों के लिए ये किला बनावे हम तुम बोल दो हाँ ऐसे किला बनाओ कुछ बनते हैं काया कोट सुडावे सोई है रजपूत काया कोट इस किले से निकले ये फतेह करे हाँ सोई है राजपूत देगढ़ आग लगाई मूर्छा 525 बात में ले छुड़ाई हाँ 525 पंच प्रकृतियां काम कर लो ओंकार इनसे बचे इनके संगल तोड़े हाँ कायागढ़ के बीच जाए के थाना करना हाँ मन है बड़ा मवास पकड़ के ठोरे मरना हाँ है है मन मन मानना मन से मुकाबला रखे ख्याल आंखों पीछे इकट्ठा करे ये है तब बनता है यहाँ से शुरू होता है राजपूत बनना हाँ हाँ जी काम क्रोध को मार लोभ ओ मोहंकारा लालच का सिर काट बहे लोगों की धारा पलटू आठवें लोक में अमल करे अवधूत काया कोट छुड़ावे सोई है राजपूत फिर ये किला फतेह करो हाँ हाँ कैसे किले कैसे फतेह करते हैं कैसे बनाते हैं किले हम गए वहाँ है ना वहाँ कुछ आउन सिटी वहाँ किला है मैं तो अंदर नहीं गया ऊपर अभी तक बाटी पड़ी है उनकी बाटी बनाते हैं ना वहाँ उस इलाके में खाते हैं पिंजरी सी पानी का इंतजाम है कोई हमला हो रहा है देखो वहाँ तो इतने इंतजाम है
उसमें लड़ते थे ना, ये इंतजाम रखते थे, यहाँ ख्याल ही नहीं किसी भी काल से लड़ाई आएगी। हाँ हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भजन गढ़ बांधो रे मेरा माया, आगे यम संग होवेगी लड़ाई, यम संग आएगी। इसका ख्याल है वहां ना कितने इंसान है, ये भजन का किला बनाओ। हाँ कैसे कैसे बनाओ? हाँ राम नाम का किला बना ले, कोई बिल्डिंग बनानी, मकान बनाना है, घर के काम का भी करते हैं, मौका हो तो चार चार ईंटें लगा के बना लेते हैं ना। बोलो भाई, ऐसा ऐसा बन जाता है, बस ये भी लगा रहे, ये भी काम करने हैं दुनिया के भी, बस ये रोज बैठाओ मन को, मन लगे जाए ना लगे जरूर बैठाओ। हाँ राम नाम का किला बना ले, मत कर तू चिनाई। तारा मठा तारा किथे? अच्छा हाँ, ये किला बनाओ। अच्छा आप भी बना, बीबी को भी याद कराया कर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, रोज बैठाओ एक दूसरे को मदद दो। हाँ कभी सदगुरु की बातें कर ली, कभी भजन पे बैठ गए, कभी किताब ऐसी पढ़ ली, छोड़ो ना, सदगुरु याद रहे बस। हाँ हाँ राम नाम का किला बना, शब्द की तोप बना कर, सत शब्द की तोप बना कर, जम की फौज हटाई रे, भजन गढ़
प्यार छोड़े, किसी कार छोड़े, फिर हासिल करता कैसे? इब्राहिम बादशाह फूलों की सेज पे पड़ता था डायमंड के, फिर कबीर साहब की शरण में आया, देखो मिट्टी में लेटे दिन पर रात सेवा। माई लोही कहने लगी, जब 6 साल हुए कबीर, देखे बादशाह हम गरीब जुलाहे, कितनी मेहनत से हमें खाने को मिल जाता है, इसको मिल जाता है, कपड़ा में पहनने को मिले, ये पहन लेता है, कुछ दे। कहने अभी लायक नहीं हुआ। फिर कहने लगे आए कर कूड़ा ले चले ऊपर छत पे, मैं इसको बाहर भेजता हूँ, ऊपर डाल देना, फिर देख क्या कहता है। उसने ऐसे किया, कूड़ा लेकर ऊपर चढ़ गई। जब उसने कहा बेटा ये काम करा, जब बाहर निकला उसने कूड़ा डाल के छुप गए। कहने होता ना बल बुखारा, कौन है आज बीबिया कडो है? क्या गल भी दो बैठी इंडिया ने केड़िया ने कडे ने बाहर है क्या है? कौन है? कोई सुती पई थी, उन्होंने उठाया थी। उठाया? हाँ चलो बस करो, चुप करो ना, फिर आंदी कादे वास्ते ने इथे जे सोना ही है। अबे खलल पावन आंदे ने, देखो इन्हां नूं छड्डे ना करो। आ कौन है? अच्छा कौन अंदर पे बैसा मेरे पे कौन कूड़ा डालता है? कहना क्या कहा है? अभी ये कहा है, अगर अभी उसके अंदर बादशाही पड़ी है। फिर जब 12 साल हुए कभी ने कहा अब ठीक है। कहना जी मैं तो उसी देखती हूँ उसी तरह कि नहीं, पहले तो कूड़ा डाला ना, अब टट्टी पिशाब कोड़ के पास। उसने ऐसे किया, उसने बाहर भेजा, उसने टट्टी पिशाब घोल के ऊपर डाल दिया, छुप गई। कहने लगे ओ पाने वाले तेरा भला हो, मैं तो इससे बुरा हूँ, इससे भी गंदा हूँ। बोलो फिर चीज मिलती है? फिर दजला के किनारे गोदड़ी सी रहा था, उसका लड़का आया, उसने देखा भी है तो वही, जो मुद्दत हो चुकी थी। कहना पिताजी बादशाह छोड़ी, ये तुमने क्या बनाया है, क्या हल किया है? कि बेटा क्या तूने क्या किया है कि मैंने फलाना जगह फतेह की, फलाना ये किया वो किया, इतना बात रहा कि हाँ। उसने सुई ले दरिया में फेंक दी कि मेरी सुई निकाल दे। वो कहने लगे मैं लाखों सुई ला देता हूँ 2 मिनट थोड़ी देर में। कहने लगे वही चाहिए। उसने तैरने वाले जो भी इससे इंतजाम किया किसी से ना निकली। अगर उसने तो दी कि मच्छी सुई लेके आ गई। कहना मैंने ये बात सही हासिल किया, फिर चुप कर गया, ये बात सही इसके अंदर है। हाँ हाँ जी, पतन का प्यार छोड़े, रात को जागे, सिमरन करे, फिर हासिल होती है हमेशा का सो। हाँ हाँ जी, हाँ छोड़ चले बादशाही, कैसे किया उसने? हाँ बोल। हाँ तन का है घोड़ा मन की है छीना, सुरता लगाम लगाई। तन का है घोड़ा मन की है छीना, सुरता लगाम लगाई। घोड़े रहते हैं ये तन का घोड़ा, इसको खड़ा के काम लो। तन का घोड़ा मन की जीना, अब मन हमारे पे चढ़ा हुआ है जो ये कहता हम करते हैं, इस पे बैठो, इसका कहा ना मानो, भजन करो, ये सैकड़े रुकावटें डालता है। मन की जीना सुरता लगाओ, चढ़ के ऐसे देखते हैं ना इधर उधर ना हो रास्ते से, हाँ पूरी तवज्जो से सिमरन करो। हाँ सुरता लगाम लगाई। हाँ हाँ अपने साहिब करो रे नौकरी हो, बन जाओ
दोपहर का वक्त है, गर्मी का मौसम है, पहाड़ों में सर्दी का मौसम है, बाहर खड़े हैं सिपाही, कितनी चुस्ती से खड़े हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। बस इसी तरह ये भी करें, चुस्ती से करें समय, हाँ सुरता लगाम लगाई, हाँ हाँ जैसे वो तो जो से सारे काम करते हैं, ऐसे ये करें, नौ दठा के ताप रहाए, दस में निज कर वासा पाए, चारों तरफ से दरवाजे बंद करें, दो आंखों के, दो नाक के, मुंह का, सात पांच टट्टी पेशाब, ये सारे ख्याल निकाले, नौ दठा के ताप रहाए, ये मन जो भागता दौड़ता है इसको ख्याल टिकाओ, जुनून की तरफ लगे और तरफ ख्याल न जाए, मिनट मिनट में बदलता है ये। दस मिनट इंच कर बात सफाई होते आना शब्द वगैरह यहाँ टका ले एक मिनट, तो बस आना शब्द से तलक पड़ जाए हमेशा के सुख। यही मुश्किल है, देख लो भाई, कम खाए, कम सोए, रात को जागे जितना हो, जिन्होंने पाया रात को जाग जाके पाया, कबीर सोया क्या करे, सोए हुए काज, ब्रह्मा का संडेगा सुनी काल की काज, फिर पता चलता है, एक मिनट भी नहीं लगा फिर है सब सुख जाग जाग के पाया है। हाँ है, हाँ हाँ जी, सुखी है सब संसार है जो खावे और सोवे, दुखी दास कबीर है जो जागे और रोवे, कम खाए कम सोए फिर है, अल्पहार सरापसी निंद्रा में दुनिया थोड़े बंधना पानी थोड़ा खाया, पढ़ते रोज हैं, बस कौन खाए, कम कम करे। हाँ भाई मन मारे थे दो सौंदे ने केड़े ने आ केड़ा है, हाँ भाई मन विनोद मारे नहीं थे दो के होड़ दे तो ना है तो मारे, हाँ भाई मन भी सौंदा है, हाँ चलो शाबाश काफी सौंप गई दुनिया, बस फायदा न उठाया, कीमती जन्म था बस। हाँ जी, अपने साहिब की सिपाही रात को पहरे पे हैं, कोई सोता है, ये पहरे वाले भी सो जाते हैं फिर बैटरी से उठाते हैं, भाई आया देख लो आया, हाँ जी ओ संसार ये वक्त बस जो फायदा उठा के उठा गया, नहीं तो वो संसार, हाँ उसका मोती पानी की ओस है, हवाई बस क्या पता किस वक्त दम निकल जाए, हाँ ओ संसार लगा।
सतगुरु तेरे यास। और बगड़ी बोल ये फौज केड़ी है, चलो हाँ लोड़ है कि मीं दी पौमी भी हाँ शाबाश हाँ जी वाह वाह ये बिकल चंगा था हाँ जी हाँ शाबाश 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 हाँ बोलो निंदड़ली थाने बेच दूं कोई जे थारू दांत होए निंदड़ली थाने बेच दूं। लोग नींद पीछे गोलियां खांदे ने भी नींद आ जाए वो कहते मैं बेच दूं क्यों पावी देखो दा पैसे सेर टके पन सेरी न पैयारी मन को पैसे सेर टके पन सेरी न पैयारी मन को बोलो केड़ा चाहने पा पैसे सेर टके पन सेरी रुपये की मन दो केड़ी सस्ती पऊ हाय हाय कमाल कर दिए हाँ हाँ जी पैसे सेर टके पन सेरी रपयारी मन को खेला दे तू गाहक तेनू खालू धारी तो है हाँ बटे भी बंद हाँ चौदह भी देखो उधार भी दे दू कमाल कर दिया हाँ खेला दे तू गाहक तेनू खालू धारी बाजार बिछायत मानू ऊंची खोलू हाट बीच बाजार बिछायत मानू ऊंची खोलू हाट दे दे झोला बदती तोलू दे दे झोला बदती तोलू बदता राखू बाट नींदड़ी खाने सोवत सब दिन बीता दिया जमारो खोए सोवत सोवत सब दिन बीता दिया जमारो खोए निद्रा बैरण का घर जाओ राम भगत ना होए निंदड़ली थाने साजन मुड़ गयो मैं बैरन रही सो आयो साजन मुड़ गयो रे मैं बैरन रही सो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर राखी नैन समोए निंदड़ली खाने बेच
आखड़ा बैठा नरसी ना इधर नहीं सुन दे इन्हें नचना हो जाना जाना घर नहीं जाना है बरकार जाने के बाद क्यों शादी है पैसे तो ले गया और क्या पैसे बाप के हाथ भेज दिए कहते हैं ठगी करता है हाँ जी हाँ बोलो बड़ा होशियार कितनी चोर निर्दय आवेगा मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दय आवेगा मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दय आवेगा मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दय आवेगा तीर्थवर तलवार न मर्ची ना बंदूक चलावेगा कुछ काम नहीं वो तुझे तीर्थ पर तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा आवत जात लगे नहीं कोई घर में धुंध मचावेगा पकड़ने आती पुलिस मुकान तो नहीं ठहरी ये चोरी का माल है कुछ भी है सिर्फ बांधा चल भाई नगरी से कुछ काम नहीं इस क्या ले गया अंदर पता लगता किसी को कौन ले गया हाँ सुनो क्या होता है सर मौत के समय जब रूह के सार भास को वे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पीड़ा को वही व्यक्ति जानता है जिसके साथ गुजरती है क्योंकि जिंदगी में हमारी आत्मा कभी सिमटी नहीं जमदूतों को देखकर जीव ऐसे सहम जाता है जैसे कसाई को देखकर बकरा कसाई द्वारा बकरे को
छुरी से काटते समय जिस प्रकार वो पीड़ा से तड़पता है, मौत के समय जीव की भी वैसी ही हालत होती है। जिंद नमाणी कटिए, जिंद नमाणी कटिए, हड्डा को कटता है, अर्थात हड्डियां कड़कती है, चेहरा काला पीला हो जाता है और इस घबराहट में एक रंग आता है और एक जाता है। हत मरोड़े तन कपे श्याव हुआ सेत। तुलसी साहब लिखते हैं, तुलसी मृतक के समय पीड़ा हो तपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक बार। उसको इतनी तकलीफ है देखता है कौन मारता है, कौन क्या करता है, किसको पता। हाँ, कुरान शरीफ में आया है कि उस समय इतनी पीड़ा होती है कि जैसे कांटों वाली झाड़ी को गुदा के रास्ते डालकर मुंह के रास्ते निकाला जाए। हाय हाय। उस समय आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसके प्यार में बंधी हुई है। शरीर से जुदा होते समय वो तकलीफ महसूस करती है और उसकी बुद्धि काम नहीं करती। जिस प्रकार अचानक पुलिस का हमला होने पर किसी के होश मारे जाते हैं और कोई सुध-बुध नहीं रहती। मकान शरीर तो खाली करते समय जीव के जितने अच्छे बुरे कर्म और जीव की और जीवन की आशा तृष्णा के ख्याल इसमें जमा होते हैं। सबकी गठड़ी बांध कर जमदूत इसके सिर पर रख कर कहते हैं कि चल। उस समय इससे चला नहीं जाता, सिर पर बोझ होता है और आगे कठिन रास्तों में से गुजरना पड़ता है। कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि इसके सिर पर कलर यानी जीवन में किए हुए पापों और पुनों की गठड़ी रखकर कहते हैं कि चल। आगे का रास्ता आग के समुद्र में से गुजरने जैसा है, अब चला नहीं जाता, बुरी हालत होती है। उस समय एक सतगुरु ही सहायक होता है जो नाम के जहाज पर चढ़ाकर ले जाता है, परंतु उसको तो खुश किया नहीं, उसकी भक्ति तो की नहीं, अब कौन मदद करे। हाँ जी। आगे विमल नदी अगनविक चेला, तिथे अवर न कोई जीव अकेला। आगे नदी ने तो चिनंगना आया है। हाँ। मस्तक पार कलर सिर पारा, क्योंकर पौंजल लंगस पारा। हाँ, सिर से बोझ है, नंगे जंदा नहीं। ऐसे वो बड़ी खेत पिया उन्होंने लगे जिंदूत कहीं थले गंदे गंद पिया, तंग रास्ता ते चल चल दो पीछे दो आगे चल चल लगी पई कि सबको छुड़ा के ले आए, नहीं तो है। हाँ। रास्ते में जब इसको प्यास लगती है तो प्यास से व्याकुल होकर यह यमदूतों की खुशामन करता है कि मुझे पानी पिला दो। वे कहते हैं कि अमुक पुण्य का फल पानी की कीमत के बदले में दे दे। तो पुलिस फड़ के ले जाती रास्ते से लुट लेने ना, जब खाली थाने तक रोटी खाने के बाद जीप कराए थे ले आए, मैं तो भी हालत थे। हाँ, जिन्हें कर्म तो नाश करने सब रास्ते से ले लेने। हाँ। जब भूख लगती है तो कहते हैं कि अमुक यज्ञ का फल खाने के बदले में दे दे। यह थक जाता है, सिर पर बोझ है, आराम करना चाहता है तो कहते हैं कि अमुक दान का फल दे दे। इस प्रकार इसके नेक कर्मों की काफी पूंजी काल या धर्मराय के दरबार में पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। बोल। हाँ। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि जीव के साथ रहने वाली चीज केवल निर्वाण कीर्तन अर्थात सच्चा नाम है। जो संत शरण में आकर उनके वचन कमाने से सदगुरु की दया मेर से प्राप्त होता है, बाकी अन्य कर्म धर्म जमदूत रास्ते में ही लूट लेते हैं। कर्म धर्म पाखंड जो दिशे पिंजम जगाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। संतो सागर पार उतरिये, जे को वचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसादी तरिये। आगे चलकर इसकी बुद्धि अलग की जाती है, वह जितने कर्म इसने किए हैं उनका अर्क निकालकर बुद्धि में डाला जाता है। इस तत्व के अनुसार
बुद्धि का संकल्प बनता है। उधर काल आवाज देता है कि यह आत्मा इधर आ, बल्कि किसी मरे हुए प्रियजन का रूप धारण करके आवाज देता है। आत्मा उसे अपना समझकर उसके पास चली जाती है और काल इसको पकड़कर अपनी दाढ़ में चबाता है, वह इसका रस लेता है। तब जीव की आंखों से जल व नीचे से मलमूत्र निकल जाता है। उस समय की पीड़ा को वही जानता है जिसके साथ होती है। इस वास्ते संत कहते हैं करो स्मरण, तम तय करना पर लगे रहे, फिर स्मरण मरना। बगैर स्मरण तो स्मरण नहीं असली सेवा है। सदगुरु की सेवा सफल है जे को कर चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रहे समाए। अनेक बंधन फंसा पिया, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कने नार, बंधन कर्म धर्म किया, बंधन पुत्र मन दिया, बंधन भेदभाव अहंकार, ये सारे बंधन तोड़े तो अंदर जाए रसे पड़े हैं। हाँ, कौमों के, मजहबों के, देशों के। हाँ, तुलसी साहब इसके बारे में फरमाते हैं, अष्ट कमल दल अंदर माही, वहां छिप बैठा काल कसाई। जब सब भास सिमट कर आवे, जब सूरत पर बुद्ध पहुंचावे, कमल द्वार पखड़ी को रोके, उल्टी सूरत काल मुख सोके। काल दाढ़ में आन चबाई, जब ढर के नैनन से पानी। अब अलग की गई बुद्धि को जीव पर वापस छोड़ा जाता है, क्योंकि बुद्धि ही पिंड की प्रधान है, जिसके अनुसार मन आशा उठाता है, वह अगला जन्म मिलता है। फिर फरमाते हैं, कर्म सारणी बुद्ध कहाई, जहां भई आस वास तय माही। कर्म आस की वास में जूने जून समाए, जो जैसी करने करे सो तेसो फल खाए। महात्मा चरणदास जी फरमाते हैं, अपना किया आप ही पावे, प्रलब्ध वो नाम कहावे। भाई मन तुम ही सुनना। हाँ जी, शेख सादी साहब फरमाते हैं, अपने ही कर्म अपने सामने आते हैं। भाग्य या अन्य किसी को कोसना व्यर्थ है। जैसे एक चक्की में जिस किस्म का अनाज डालोगे, उसी किस्म का आटा निकलेगा। यही गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि ये शरीर कर्मों का खेत है। जैसा खेत है, हाँ। जैसा इसमें बीजता है वैसे ही फसल काटता है, अर्थात जैसे कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। जेहा बीजे सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। इसलिए कहा जाता है, अंत मता सोई गता। दादू साहब फरमाते हैं कि जीव का अंत समय पर जिस जगह ध्यान होता है, वह मौत के बाद वहीं जन्म लेता है। वह मरता तो बाद में है, परंतु उस जगह पहले ही पहुंच जाता है। जहां मन राखे जीवता, मरता तिस घर जाए, दादू वासा प्राण का तहां पहले रहा समाए। अब धर्मराय के दरबार में जाकर पूरा न्याय होता है। क्या बादशाह क्या गरीब, वहां सबसे एक जैसा व्यवहार होता है, किसी की रियायत नहीं होती। उस वक्त जीव अकेला है, माँ बाप भाई और बच्चे सब यहीं पर रह जाते हैं। वहां किसी की जात या धर्म नहीं पूछते, अपने अपने किए हुए कर्मों के अनुसार फैसला मिलता है। फैसले में एक क्षण की भी देर नहीं लगती, तत्काल मिल जाता है। किसी के कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं होती, न किसी की वकालत चलती है। सारा नक्शा सामने होता, वो आप ही देख लेंदा उस वे। पहले तन दा प्यार है, सारी उम्र की सेवा की थी। तन दा प्यार है, चंगे खाने खिलाऊंदा, विशेष कार कराऊंदा, सारा कराऊंदा, यही नींद लियाऊंदा, ये तन छड़ना नहीं चाहता। क्योंकि तन चाहता है, इस करके तन मिलता है। फिर ख्याल के मुताबिक अंत माता सोई गता। अगर माया जोड़ी है तो ख्याल है, तो नतीजा अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे सर्प जून वाल उतरे। सप जूनी देवी मिल गई, बैठाता बैठ जा, दिव्य जो मर जाए, तब वो बैठे नाग
नारी में चित्रा होया कुकर का महात्मा चरणदास ने किया है। लड़के जी ख्याल है अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता जो मरे शुक्र जून वालों करे सूर्य जूनी सोच लो तन छूटे सुत में रहे एक नर तेरी आस जन जो शुक्र को लहे मोए नरक नवास महात्मा चरणदास ने किया। सब किरण ने छोड़ खड़े ने अंतकाल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे प्रे जून वालों उतरे मकाना च ख्याल है मंदिर च ख्याल है खेतां च ख्याल है प्रेत बन के बाबे दी मड़िया ने बस उत बाबा बैठा दस भाई आए है। हाँ हाँ जी बस हाँ बोल भाई ये तो बिचार करना सी आए है। हाँ आए है बस मैं लगे रहो फिर छुटकारा नहीं छुटकारा है खत्म करूंगा कर्म धर्म साफ निकल जाएंगे जिन्ना हुण कर लेंगे फायदा नहीं फिर जन्म लैन के फिर भुगतना पऊ लेकिन जिन्हां नूं ये नाम मिल गया है वह तो छुटकारा हो आखिर क्या किन्ने जन्म लग गया दिल बुलाने साथ चिताए बैठा है होर हणगे बथेरे दो तीन होर हणगे एक छोटे जे बच्चे ने यह भी छोटा जे सी गल करते इन्ने कि ने देश प्रभारी हूँ चोला छेड़े ना वो दोती है कहती मनेसर कहो मैं गुरु नानक साहब वो फोटो देवे आए हैं ना एक अखी तो नकला नाल आए हैं वो देव बोलो कैसे भाई तुम देखी है ऐसी हाँ गुरु नानक साहब फोटो गुरु नानक साहब आए देखे तेन पूछते हाँ गुरु से हाँ आ फोटो देखी है गुरु नानक साहब की ते आह ये नहीं देखी पता नहीं हाँ वो कहते वो लिखे दे बोलो दे लो हाँ इन हम फिर फसा देंगे अंग्रेजी फसा देंगे हम बस फिर वो झगड़े पै जाएंगे। हाँ हाँ जी देने देने भी अंदर है जी हाँ हाँ जी है कोई ऐसा संत विवेकी गुरु गुणियाँ सुनावेगा कहीं कबीर सुने सो खोवे जागेगा सो पावेगा कहीं कबीर सुने सो खोवे जागेगा सो पावेगा। करुण का बदला जरूर पूछना पड़ता किन्ना ही कर लो रामचंद्र जी ने बाली ने मारिया उस बाली ने पीलदा रूप धार के कृष्ण रूप मारिया जुग पलट गया देखो ये जरूर ये महकमा जेड़े कर्म जाल चो कढ़ने वाला सतगुरु का। हाँ खास कर जो इतने रेंदे ने हम बहुत उन्होंने फर्ज तो यही है या सेवा तन का प्यार छड़े दिन पड़ा लगे रहे या सिमरन मेन चीज तो सिमरन ना मैं गल्ला मार के इधर देर 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 सक लड़न लग जाते एक दूजे ने रात में लानता मारिया देख लो भाई फायदा ना उठाया इतने रहने का की फायदा फिर दीनता निम्रता बोलो भाई हासी मिटावे रात में सांझ दो वचन कढ़िया रात कढ़िया सी सत्संग बोले सी जब सच घंटा है कहिंदे काल दा पहला जिक्र कीता रूपा आखे कई दिन दा तंग करदा अंदर आउंदा है जबरदस्ती बुला उधर तंग करदा है बुले तो पुलिस दिता चार दिन बोल कहिंदे नहीं चाहिदा सत्संग सुन अपना नाम जपन तेरे जान कर तंग ना करना
पर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਮਸਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਬਈ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਦੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅਸ ਬਚਪਨ ਬੀਤਾ ਖੇਲ ਕੂਦ ਮੈਂ ਅਕੜ ਮੈਂ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਆਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਸਿਰ ਪਰ ਤੇਰੇ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁਆ ਤੋ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁਆ ਤੋ ਜੀਨੇ ਕਾ ਢੰਗ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁਆ ਤੋ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁਆ ਤੋ ਜੀਨੇ ਕਾ ਢੰਗ ਆਇਆ ਜਬ ਬੁਝ ਗਈ ਸ਼ਮਾ ਤੋ ਜਬ ਬੁਝ ਗਈ ਸ਼ਮਾ ਤੋ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇ ਰੰਗ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁਆ ਤੋ ਮਨ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਾ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਾ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਾ ਜਬ ਬੂਢੇ ਤਨ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਬ ਬੂਢੇ ਤਨ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਜੇ ਤੇ ਜੰਗ ਆਇਆ ਜਬ ਬੂਢੇ ਤਨ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਜੇ ਤੇ ਜੰਗ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁਆ ਤੋ ਜੀਨੇ ਕਾ ਢੰਗ ਆਇਆ ਜਬ ਬੁਝ ਗਈ ਸ਼ਮਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਘਰ ਸੇ ਚਲਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਗਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੋ ਘਰ ਸੇ ਚਲਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਖਿਰ ਵੋ ਲੌਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਵੋ ਲੌਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰੰਗ ਆਖਿਰ ਵੋ ਲੌਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰੰਗ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁਆ ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵਕਤ ਨਿਕਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵਕਤ ਨਿਕਲਾ ਜਬ ਵਕਤ ਤੰਗ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁਆ ਆਯੂ ਨੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜਬ
जमराज फौज लेकर, जमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ। दंदन सतगुरु तेरे ये मुंडा केड़ा है? आई आ मुंडे बैठे थे, ये केड़ा है? हां टेलर मास्टर हूं। अच्छा ये दा मुंडा बोल, ये कदा है? हां कई दिन हो गए, क्या रोटी के पैसे कौन देगा? इन्हें रोटी खाना? हां कम कोई करता नहीं, कम कर देंगे नहीं है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, फिर थोड़ी रोटी खाया कर। चलो चंगा। हाँ हाँ तो पता ही नहीं खेड़ी वे आए जैसे कितने हो मान रोटी वाला किधर गया हो तो बाप सुधर गए पिंड ताम ही है नहीं तो सब तो बदमाश पिंड कहते सी डी सी एस पी उत्थे भी सत्संग करा लो सुध पर हुण सुधर गया काफ़ी सत्संग तो नहीं होया नाल होया पिंड च बहुत सुधर गया लड़ाइया हट गई नहीं रोज लड़ाई होंगी सी उत्थे कई जगह इस तरह सी ये तो खास कर सी पिंड ये तो डी सी एस पी ने किया उत्थे भी सत्संग करा लो कई जगह हटिया आप भैनिया थोड़ा सी इतने भी तो अठ दस खून होंगे से हूँ एक भी नहीं होया हाँ कितने हाँ ये तो है पानी भी बदल गए सब कुछ बदल गया सिमन करो होर बदल जाएंगे यही करना करो तो सिमन करो सब कुछ बदल जो हाँ है एक दा किसी मिनिस्टर ने कढ़िया पिछे पंजाब दे ने आखे इन्हां नूं हरियाणे नूं ते कहां असीं पानी ते पीली नहीं देनी मैं फिर रोक लैण पानी तंदर च आई जांदा उन्हां दा देखो भाई उन्हां दा नीवा हुंदा जांदा इह ते उच्चा हुंदा जांदा है हाँ जी सिमन करो सब कुछ हो जो पर सिमन करो है। एक चिट जब अस जाते सी कई कई साल जाते रहे खूब बारिशां ते होर मस फिर कई साल गए नहीं एक चिट्ठी आई बारिश नहीं मैं कहा सिमन करो वो कल्ला ही बह गया 15 दिन बैठा कहना बारिश ऐसी हो गई टोपे भर के बोल करो दसो भाई कल्ला ही बैठे ना है आजकल तो बड़ा सस्ता कम आ जे सिमन करो हदायत करके आई देखो भाई इत परचे ने गाह का मंगो पैसे असली तो हाँ चंदन सतगुरु चुग गई सारा खेत चिड़िया चुग गई सारा खेत माया चुग गई सारा खेत आंख खुली जब देखा मैंने आंख खुली जब देखा मैंने खेत मेरे चुग गई सारा खेत माया चुग गई
चिड़िया तू गई सारा खे
ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਕਰਨ ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੱਟ ਪੂਰੇ ਮਜਲਿਸ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੈਂ ਉਹ ਪਰੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਘੁੱਟ ਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਬਲਾ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ उपदेश कर भजन करे निष्काम चरण दास हरी जन पहुंचे हल्के धाम आपे भजन करे नहीं और उन मना करे चरण दास पर दुष्ट नर घोर नर पड़े हाँ हाँ जी लगे रहो हाँ साफ बोली भाई मन नहीं तो डंडा पे ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਬੇਤਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਬਿਲੋ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦੇ ਲਾਹੋ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਮਤਾ ਬਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਕੀ ਸਮਝ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ ਇਸਕਾ ਹਮ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸਕਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲ ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੋ ਬਸ ਕਿਆ ਪਤਾ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਂ 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 ਆਹੋ ਹਾਂ ਜਗਤੀ ਮੇ ਜੀਣਾ ਦੋ ਦਿਨ ਕਾ
जगति में रे झूठ कपट कर माया जोड़ी करेगा ओ सवीरा तने वक रही करेगा सभी तो छोड़त लर मुसाबिर बाजरी बीज हाय हाय फसल तैयार करो भाई हाय हाय इन ओनली है बाजरी बीज हाँ आजकल बाजरी भी बोने ना वो फसल तैयार करो आसमान से समझाया फकीर ने बस मौके मौके धन धन सतगुरु तेरे संतारे सरणे मेवा निपजे अनंत अपारा रे संतारे सरणे मेवा निपजे अनंत अपारा रे पारा रे मास से आरो रे उनारो जेठ रे महीने निपजे रे पारा रे मास से आरो रे शर्म जाके ऐसा मेवा प्यार होता है ऐसा मिलता है कि हर मौसम त्यार और तो अपने मौसम के लिहाज ने हर मौसम च मिसाल देने हाँ सरस्वती मिल सावन आयो भाव भादुओं लागो रे सरस्वती मिल सावन आयो भाव भादुओं लागो रे डेडर मोर पपैया बोले रणु तार झड़ लाग्यो रे डेडर मोर पपैया बोले संतारे सरणे मेवा निपजे निपजे अनंत अपारा रे बाद में बारिश होंदी है पहले तो होर तो फसल नहीं होंदी सी इधर बारिश होंदी है और फिर मोर पपीहे बोलदे हैं वो हां फिर असि की करदे हां हां दोरा रे पाली सेंटा बांधो नीर निकल ना जावे रे फिर दोरे बांधते हैं ना पानी निकल जाए फिर बीजते हैं हाँ दोरा रे पाली सेंटा बांधो नीर निकल नहीं जावे रे
ਤਾਫੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਂਚਲੇ ਮੰਗਲੇ ਇਹਨੇ ਖਿਆਲੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਓ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿੜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਓ। ਹਾਂ ਉਚਲੇ ਰੇ ਮੰਗਲੇ ਮਾਰੋ ਬਾਂਧੋ ਸੂਰਤ ਰਖਵਾਲੀ ਰੱਖੋ ਰੇ, ਖੁਦ ਚਿੜੀ ਨੇ ਪਰੀਰ ਉਡਾਵੋ ਉਰਗਮ ਟਾਟ ਵਜਾਵੋ ਰੇ, ਸੰਤਾਰੇ ਸਰਣੇ ਮੇਵਾ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਅਣਤ ਅਪਾਰਾ ਰੇ। डारे भर भर घर में लावो कोठा भर माला रे, होगी उन्हें कट के अपने लिया दान लिया के रखो अंदर, साल भर मौज करो। हाँ फसल तैयार करो, चाल ने टिकाओ इधर दुनंग जान दे। हाँ गाडा रे भर भर घर में लावो कोठा भर माला गारे, कबीर कबीर सा सुनो भाई संता दिलरा धोखा भाग्या रे, कबीर कबीर सा सुनो रे भाई संता दिलरा धोखा भाग्या रे, संता रे शरणे मेवा निपुजे निपुजे पारा रे मास से आरो रे उनारो जे घरे महीने निपजे रे। पांच सात मिनट बैठो तुम आत बने, रोज बैठाओ ताही बैठाने की आत बन जे याद रहे, जरा कम रोज कर याद रहना कम से कम याद रहो। हाँ मौके से याद चाहिए है, अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा, ये रोज बैठो ताई याद आओ असी ना ना होगा। उत्थे एक लड़का कहन लगा पहला कि जी मैं इत्थे डेरे रहा, मुसान जी कहते भागां दे बगैर कौन रहे, कपड़े बंडे से नू बनाने देती है, वो तो पाई लेगा गरीबदास सिंह साधु, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਨਾਊ, ਅਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਵਿਆਸ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਊ, ਬੋਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੰਦਾ ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਬੈਠੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮ ਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ। ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਪੀਰਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਾਂ ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ Thank you.
तेरे दर ते आया मेरी चोली का
ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਕੀ ਤੋਂ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਮੂੜੀ ਨਾ ਖੈਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਮੂੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਰ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਸਤਰ ਰੋੜੀ ਨਾ ਸ਼ਰਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਮੂੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਰ ਤੇਰੇ धन धन सतगुरु काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पंजे ए ना पंजा नू करेगा वस किवें ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਭਗਤੀ ਚ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਚ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਬੀਣਾ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਬੀਣਾ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਭਗਤੀ ਚ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਚ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਬੀਣਾ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਤੂੰ ਮੂਰਖਾ ਨਾਮ ਬੀਣਾ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਕਾਮ ਤੇ ਕਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜੇ ਪੰਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਭੁਲਾਈ ਕਾਮ ਤੇ ਕਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤੇ